सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने आईफोन 6s में या फिर कोई भी आईफोन में ये जो इजी टच होता है इसको कैसे अनेबल करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इससे बहुत सारे आप काम कर सकते हो। कभी कभी होम बटन काम नहीं करता या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उस समय ये बहुत काम आता है गाइज। इसमें आप जो है अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, अपने हिसाब से जो है फंक्शन डाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है ये दोस्तों, तो आपको ये अनेबल करना ही करना चाहिए अपने आईफोन में, क्योंकि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, स्क्रीन काम नहीं कर रही, मतलब होम बटन या फिर कोई बटन काम नहीं कर रही, तो उस समय ये बहुत काम आता है। सो गाइस, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप इसको कैसे अनेबल कर सकते हो अपने आईफोन में, कोई भी आईफोन हो, क्योंकि सबका दोस्तों जो है सेटिंग एक ही जैसी होती है, तो आप जो है किसी भी आईफोन में अनेबल कर सकते हो। सबसे पहले जाएंगे हम सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप जो है स्क्रॉल अप करोगे और नीचे एक ऑप्शन आता है गाइस एक्सेसिबिलिटी का, ये आप लोग देख रहे हैं एक्सेसिबिलिटी सबसे नंबर वन पे मैंने रखा हुआ है यहाँ से। सो आप जाएंगे एक्सेसिबिलिटी में, और एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद गाइज आप थोड़ा और स्क्रॉल अप करेंगे, उसके बाद ये टच का ऑप्शन आता है, मैंने ऊपर कर रखा है, आपको टच पे क्लिक करना है। टच पे जब आप क्लिक करोगे गाइज, उसके बाद में जो असिस्टिव टच, इसको बोलते हैं असिस्टिव टच, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे सबसे पहले नंबर पे। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको अनेबल कर रखा है इसलिए मेरे में चालू है, यहाँ से मैंने डिसेबल कर दिया तो यहाँ पे वो गायब हो जाता है। ठीक है गाइज, अब नीचे एक और ऑप्शन आता है गाइज, यहाँ पे आप जो है आइडल कैपेसिटी, आप जितना इसको 100% रखोगे उतना इसका जो कलर है वो डार्क हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिखेगा, और आप जीरो पे कर दोगे तो आपको गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं, लेकिन काम उतना ही करेगा गाइज। ठीक है, सिर्फ इसका जो डार्क मोड है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ मतलब बाय डिफ़ॉल्ट लगाया हुआ है कि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको ये फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो आप अपने हिसाब से इसको जो है कस्टमाइज़ कर सके, अपने हिसाब से जो भी आप फीचर्स चाहते हो वो आप इसमें डाल सकते हो और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।